आंख से कम दिखने का वास्ता देते हुए कोरिया जिले के एक सरकारी स्कूल के दो शिक्षकों ने एक छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोक दिया। हाई स्कूल परीक्षा देने से वंचित हुई छात्रा ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। छात्रा के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कोरिया जिले के महाई गांव में शासकीय हाई स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आसपास के कई गांव के बच्चे इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में अध्ययन करने वाली 10वीं कक्षा की एक छात्रा को प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया गया और परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि छात्रा को आँख से दिखता नहीं है तो वह परीक्षा कैसे देगी। छात्रा ने इस मामले में दो शिक्षकों के नाम दिए और उन्हें दोषी ठहराया। मेरे साथ हुआ कि ये नहीं देख पाती है तो पेपर कहाँ से देगी, इसलिए इसको पेपर में नहीं बैठाया जाएगा, नहीं प्रवेश पत्र दिया जाएगा। कौन बोला इसे आपको? गुप्ता सर और राहुल अग्रवाल कि मैं नहीं देख पाती हूँ इस कारण से। आप क्या पेपर लिखने में सक्षम हो? हाँ, लिख सकती थी। परिजनों ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि छात्रा की शारीरिक स्थिति के बारे में शिक्षकों को पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने अनावश्यक दखल देते हुए उसे परीक्षा देने से रोका है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, स्कूल जाती रही सर। कौन से क्लास में थी? दसवीं में। तो गुरुजी के कारण मतलब पेपर में नहीं बैठ पाई? नहीं बैठ पाई पेपर, आँख नहीं देख पाती है, पेपर नहीं दे पाएगी, इसको पेपर में नहीं बैठाया जाएगा, नहीं इसको प्रवेश पत्र दिया जाए। इसके साथ क्या है, अन्याय तो हुआ है, इसलिए कि जब वो स्कूल गई, क्लास में पढ़ती रही होगी। मैं मानता हूँ कि ठीक है, अगर एक आंख से जो है तो देखने में थोड़ा सा कमज़ोर है, पर स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड का जैसे मान लीजिए दूरी है, उसमें से भले नहीं देख पाती रही होगी दूरी के कारण, दिखाई ना देता हो, लेकिन अपने बेंच में कापी पेन में तो लिख पढ़ सकती थी और देख सकती थी, वो मतलब पेपर दे सकती थी। पर ये तो सरासर अन्याय है, शिक्षा के प्रति कार्रवाई होना चाहिए, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस के पास शिकायत की गई है। लोगों को इंतजार है कि छात्रा का भविष्य खराब करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई सरकार की ओर से की जाती है। ब्रांड एसएन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।